आपने देखा कि बहुत कुछ सामान लाए हूँ, लेकिन वो सब सामान इंस्टॉल करने से पहले इस गाड़ी में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। आज मैं सबसे पहले इसका जो बैटरी का ब्रैकेट है यहाँ का वो बनाऊंगा, उसके बाद आगे काम बढ़ेगा। बिकॉज बैटरी लगेगा तो वायरिंग लगेगी तो जाकर लाइट वाइट इंस्टॉल होएगा, देन उसके बाद सीट का काम करेंगे और दो तीन चीज़ें जो आज हो जाएगा। चलते हैं हमारे बिल्डिंग वाले अंकल के पास। तू भी आके हमारे यहाँ हेलो हेलो हेलो। दूसरे के एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें कॉल किया था, उनको जे हुक चाहिए था, उन्होंने ऑर्डर किया है लेकिन उनका लेट आने वाला है। तो मेरे पास दो जे हुक है तो मैं उनको एक दे देता हूँ, आएंगे तो बाद में ले लूँगा वापस। और जे हुक है उसमें कौन सा घसड़ने वाले, ऐसा चीज़ कैमरा माउंट करना होता है तो वो मैं भूल गया हूँ। जब वो आएंगे तो उनको लेके जाऊँगा घर से, मैं लेके दे दूँगा, फिर वहाँ पर आ जाऊँगा। बिकॉज ये गाड़ी एक बार यहाँ पहुँच गई ना तो बड़ा टेंशन होता है इसको रस्ते पर चलाने में। जो चीज़ मतलब मैं घर पर भूल ही गया था कि बैटरी लेके आना है, मैं अरे तो इस वापस घर पे गया नहीं, शमशाद के गैरेज पे गया, एक पुराना बैटरी उठा के लाया, 9 MB क्या तो 9 MB कुछ तो बोलते हैं इसको। तो ये बैटरी जाएगा गाड़ी में, सो कुछ कैसा रहेगा भाई, क्योंकि ये रहेगा तो ही जाके इसका ब्रैकेट बन पाएगा, ऐसा रहेगा। ओके सो फिल्टर भी आ गया, बैटरी भी आ गया, वायरिंग भी आ गया, लाइट्स भी आ गए, सब कुछ हो गया, सीट भी आ गया, अब गाड़ी चलेगी। रहा जे हुक, तो भाई भूल गया था मैं घर पे जे हुक, लेकिन भाई को घर पे लाया और जे हुक मिल गया। सो भाई जा रहे वापस से राइड पे, बहुत भारी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, मैं इनको बाद में बताता हूँ। थैंक यू जी। यार बस कुछ नहीं, अपने पास था एक्स्ट्रा। चलो चलो, आपका चैनल है? देखो भाई लद्दाख राइड करके आ गए लेकिन चैनल नहीं, मतलब दुनिया में इतने लोग हैं ना भाई एडवेंचर वाले जो करते हैं लेकिन बताते नहीं है। लेकिन भाई नापने जा रहे अपना देसी जोगाड़, तो तुम लोग देख रहे हैं, देखो कैसे वो देख रहे हैं, एक वो आदमी देख रहे हैं। बड़ा होएगा छोटा करने में हम लोग अपना, मतलब YouTube पे अप्लाई कर दिया है ज्वाइन बटन का, तो जल्दी वो ज्वाइन बटन भी आ जाएगा। जो लोग मुझे मतलब ज्वाइन करेंगे उनके लिए बहुत कुछ स्पेशल रहेगा, जो व्लॉग में मतलब नहीं आ सकता है। देखो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना उनको भाई, क्योंकि उसको खुश करेंगे तो पता नहीं कब तक आएगा। 24 घंटा बोला कि 24 घंटे में सब्सक्राइबर के बाजू में ज्वाइन बटन आ जाएगा, सप्लाई किया है। हाँ फिल्टर लगा दिया ना, मस्त नंबर एक नंबर ना। कॉलेज नहीं गया, छुट्टी है ना, वो 2-3 दिन की पता नहीं की छुट्टी थी। ओके चलो, बहुत सही यार, क्या परफेक्ट काम हुआ है। लेकिन अपने को और मजबूत बनाना है इसको, मजबूत मतलब। एक और चीज़ मालूम चढ़ी है कि मैं मेरे वीडियो में ना आग भी दिखा नहीं सकता यार, एक ये प्रॉब्लम मुझे एक मालूम पड़ा, इसके वजह से भी स्ट्राइक आते हैं फायर या आग दिखाना। सो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट बना है उसको रख दिया, गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, हल्का सा फिल्टर अंदर जल गया, तो देखिए वहाँ पर वेल्डिंग किया, यहाँ पर वेल्डिंग कर, वापस से वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग चालू। ये देखिए यहाँ पे, वाह प्लास्टिक है तो नरम हो चुका है भाई, कुछ तो काट के ला रहे। तो ये देखिए यहाँ पे जो कोना है, कोना कट किया, यहाँ पे वेल्डिंग किया, यहाँ पे वेल्डिंग किया, बोथ साइड ब्रैकेट रेडी और कुछ। ओहो बहुत गर्म है, बहुत गर्म है भाई ने प्लास्टिक को कट मतलब जलने से बचाने के लिए वहाँ पे गीला कपड़ा रख दिया, जो प्लास्टिक मतलब फिल्टर जलने नहीं दे रहा, मतलब फिल्टर को जलने नहीं दे रहा। यार क्या हो रहा है यार, तुतला क्यों बन रहा हूँ मैं दिन ब दिन। देखिए आग निकल रहा है, बन गया ब्रैकेट, लॉक लगाना पड़ेगा ना। हाँ लॉक तो लगता, कोई तो मेरे पे काला जादू कर रहा, अभी ये गोप्रो भी हैंग हो गया था, 5 मिनट ऐसे अटक गया था पोज में। एक पट्टा इधर से रहेगा ऐसे और एक पट्टा रहेगा ऐसे, बैटरी एकदम फिक्स रहेगा, क्योंकि ये गाड़ी रस्तों पे कम जंगलों में ज़्यादा चलने वाली, ऐसा प्लान है मेरा, देखते कब तक चलेगा। बहुत सामान लाया हूँ कल इसका, अभी गाड़ी देखो ऐसा बनाता हूँ मैं, बुलेट का सीट लाया हूँ, वो तो गैस वेल्डिंग पर नहीं होएगा, बुलेट का सीट ब्रैकेट बनाने में, तो देखता हूँ शर्मा जी है फिर या फिर वो। पुराना वायरिंग भी नहीं चाहिए, पूरा सॉकेट है इसमें सब, वाह क्या लग रहा है, दोनों फेस हो गया यहाँ पे, अब उसको आधा आधा काट देंगे। अच्छा इधर आगे से काटेंगे, हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ से रबड़
इसके नीचे लॉक होएगा, यहाँ से रबड़ इसके नीचे लॉक होएगा, तो ये ठंडा हो जाने दो। और जो दो जो मतलब जो बैटरी लेके आए वही बैटरी को लॉक करेंगे। और ये ठंडा कर दिया। ओहो हाँ अंदर है पीछे है। हाँ ये लॉक एक बार दे दो, ये थोड़ा लूज है। एक काम करेंगे ये, और ये बैटरी के पीछे क्या आएगा, फॉर्म रख देंगे, मतलब कि जो मतलब दबाए मतलब ख़राब ना हो, तो उसके पीछे ना फॉर्म रख दूंगा तो टाइट हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, डबल सपोर्ट मिला है इसको, टेंशन नहीं है कहाँ से कहाँ से। तो ये काम हो गया। अब यहाँ पे जो एक कार्ड लगने वाला है, यहाँ पे एक और होल मारेंगे ऐसा वाला लगाने के लिए, तो भी लेके आया हूँ मैं, खोल के निकाल लेता हूँ, टैंक बाद में लगाऊंगा। तो निकाल दिया है, ये रहा पूरा सिस्टम। ये गैप बहुत बड़ा है और आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मुझे आवाज़ कम करना है कि किसी को तकलीफ़ ना हो, बीच बीच में पागल हो जाता हूँ, रेस्ट देता हूँ। तो यहाँ पे एक आइडिया सोचा है कि एक मैंने अंकल को एक पाइप दिया है, अंकल कुछ तो ढूंढ रहे, तो अंकल के पास पाइप है। हाँ चलेगा, हाँ चलेगा। और बाकी इस पाइप में छेद रहेंगे, बहुत सारे छेद रहेंगे, और ये पाइप एग्जॉस्ट के अंदर रहेगा। टाइमलेप चल रहा था, तो अंकल ने हमारा एग्जॉस्ट के लिए कुछ तो बना दिए हैं, एग्जॉस्ट के लिए मतलब उसके अंदर पतला सा पाइप डालेंगे जिसमें छेद रहेगा। ये देखिए लेके जा रहे, तो क्या क्या कि मतलब पतला सा पाइप लिया, उसमें बहुत मतलब लिमिटेड छेद किए, उसका मुंह बंद करके वापस इसमें पैक कर रहे हैं, ये हो जाए। अलग ही लग रहा था, देखते हैं। तो अंकल देखो यहाँ पे क्या जुगाड़ कर रहे हैं, देसी जुगाड़। पकड़ो अंकल कैमरा पकड़ो आप। हाँ इधर पे ही रहेगा, चलते हैं बेटा, मार्किंग करना पड़ेगा। बस अंकल ये पूरा काला हो जाएगा वो। अरे बहुत सही, वाह ये देखो निशान दिख रहा है आपको वहाँ पे। लास्ट काम इसमें हो रहा है, ये लास्ट काम होने के बाद आरिफ के पास जाऊंगा, उसने एक घंटा दिया था लेकिन मैं यहाँ पे 3 घंटे ले लिए। आरिफ भी सुनाएगा मेरे को अब कि तो कभी मेरा काम करता नहीं है। बस वो जैसे वो मतलब वो लगा लूँगा ना बटन वटन। क्या पानी लाते हो जो हाँ बिजली की, अरे बॉयल हो रहा है वो भी। यस अभी सही हो गया, अभी हैंडल भर गया, अभी टैंक बचा है, मैं ये टैंक को लगा लेता हूँ। टैंक को लगा लो। हमारे अब्बास भाई कलर मार रहे हैं, एकदम स्प्रे पेंटिंग कर रहे हैं और उधर सोकसर जुआ खेल रहा। अभी हमला करेगी क्या, क्या हुआ, गुस्सा हो रही है। म्याऊं 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 म्याऊं। हैंडल देखिए अभी कैसा भरा भरा दिख रहा है। ओके सो यहाँ पे आगे का ये काम तो हो गया, ये वायर यहाँ पे आएगा अभी, नहीं अभी ये काम नहीं, सीट का, जैसे मैंने आपको बोला कि भी सीट का काम होएगा, तो ये पीछे का निकलेगा। और ये देखिए यहाँ से आवाज़ भी बहुत स्मूथ आ रहा है, अभी पतला आवाज़ आ रहा है। ओके ये ठीक हो गया। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे अपना बैटरी ब्रैकेट बन गया है इसके पीछे, और हमने लेदर रखा और रखेंगे नीचे रखेंगे तो ऊपर हाइट पे आएगा, तो इसको भी पेंट करना पड़ेगा वरना ये जंग लग जाएगा बारिश में। और आरिफ ये देखिए वो भी काम में जोश में लग चुका है, और ये देखिए फुल जोश में काम में लगे हुए हैं, चल रहा है। तो यहाँ पे मेरी बाइक भी रेडी हो रही है और वहाँ पे उसकी बाइक भी रेडी हो रही है।
ऊपर खोला, एक बार साफ किया, फिर एक बार हवा से साफ किया, चालू नहीं हो रहा। एक बार देख लो आप, भी चालू नहीं हो तो गाड़ी को यहाँ पे छोड़ दूंगा। और ओवरफ्लो भी नहीं हुआ, ये होता है, जो लिखा होता है वो होता है। तो देखो कोई भी कुछ भी बोले कि कल मतलब आज के दिन महाराष्ट्र बंद है, चालू है मुझे भी नहीं मालूम। कोई लोग बोल रहा है महाराष्ट्र चालू है, कोई लोग बोल रहा है महाराष्ट्र बंद है। स्कूल कॉलेज बंद तो हो चुके, छुट्टी अनाउंसमेंट हो चुकी है। चलो ये तो न्यूज़ वाली जैसी होगी बात। यहाँ पे हमारा बाइक थोड़ा सा लुक में आ गया, हैंडल थोड़ा सा भर गया है, बैटरी ब्रैकेट बन चुका है, और कुछ हुआ क्या उसमें, साउंड जो है थोड़ा चेंज कर दिया। तो साउंड के बारे में बताया, साउंड अच्छा लग रहा है क्या? अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो चेंज कर देंगे साउंड को, ओके। लेकिन साउंड पहले से कम हो गया है। और आज है 9 तारीख और आज है चैंग का बर्थडे। हाँ जी, तो जो लोग चैंग को जानते हैं फटाक से कमेंट बॉक्स में विश कर दो उसको। ये उसको भी नहीं मालूम कि मैंने ये रिकॉर्ड किया है, ओके। सो आज मतलब आज ये वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ, बिकॉज फ़ोन बंद हो जाएगा, गोप्रो का बैटरी ख़त्म हो चुका है। पता नहीं रात को क्या होने वाला, बहुत मचाने वाले हम लोग। हाँ जी, वो लाइट क्यों सब बंद चालू हो रहा है, लगता है फ्यूज़ होएगा। सो गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अब भी आएगा मजा, काम जोशों में चालू हो चुका है, बैटरी इंस्टॉल हो चुकी है। बार बार बोल रहा हूँ कि काम हो गया है, वो अब होने वाला है। उसमें सीट इंस्टॉल होएगा, डिस ब्रेक, पेट्रोल टैंक, एवरीथिंग, बहुत कुछ। और एक और चीज़ आप लोग से पूछना है यार मुझे, कि मैंने जब से कार्बोरेटर में फिल्टर लगाया है ना, तब से मालूम है क्या हो रहा है, कार्बोरेटर ना ठंडा हो रहा है, और जैसे पानी की बोतल अपन फ्रिज से बाहर निकलते रखते हो और कैसे उसमें से पानी बाहर गिरता है, तो वैसा सीन हो रहा है यार। मतलब कार्बोरेटर ठंडा है और उसके बाहर ना बूंदे बूंदे पानी की, तो ये क्या सीन हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब गाड़ी चालू होती तो कार्बोरेटर ठंडा हो जाता है और बाहर पानी की बूंदे सब जमा हो जाती है, पता नहीं क्यों ये हुआ। बताओ कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता देना। सो बाय बाय। और सेकंड चैनल का नाम में अभी भी कंफ्यूज, जो नाम तो स्टार्ट होगा बीएसबी से, उसके एंड में क्या दूँ वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। व्लॉग्स टाइप में नहीं, कुछ अलग नाम देना है बीएसबी। सो बाय बाय, एंजॉय करिए। ये अपना दोस्त।